कौन है सोशल रिफॉर्मर्स, फिल्म के डायरेक्टर पे क्या आरोप लग रहे हैं, काजल अग्रवाल को किससे रिप्लेस किया गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राड स्टूडियोज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चिरंजीवी मेगा पावर स्टारर आचार्य एक अपकमिंग तेलुगु एक्शन थ्रिलर है। स्टार कास्ट के लिस्ट में रामचरण, पूजा हेगड़े, काजल अग्रवाल जैसे नाम शामिल है। रामचरण और चिरंजीवी इस फिल्म में एक दोस्त का किरदार निभा रहे हैं और मंदिरों में पैसों की हो रही हेरा फेरी के खिलाफ आवाज उठाते दिखेंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि कोरतला सिवा है, जिनकी अभी तक की सारी फिल्में सुपरहिट साबित हुई हैं और वहीं नंदी अवार्ड और आईफा अवार्ड से भी नवाजे गए। वैसे मैथिनी एंटरटेनमेंट एंड कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले फिल्म प्रोड्यूस की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो काजल अग्रवाल से पहले त्रिशा कृष्ण को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन इसी कॉन्फिडेंशियल रीजंस की वजह से त्रिशा ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। वैसे काजल अग्रवाल को इस फिल्म में लिए जाने की और क्या वजह हो सकती है दोस्तों, कमेंट्स में शेयर करना ना भूलें। ये तो जग जाहिर है कि जिस फिल्म में भी चिरंजीवी हो, उस फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना कोई नई बात नहीं है, और साथ में जब किसी फिल्म को एक क्रिएटिव डायरेक्टर का साथ मिल जाए तो फिर बात ही क्या। वैसे इस फिल्म की रिलीज को लेकर दर्शक सुपर एक्साइटेड दिख रहे हैं। जहां तक बात किसी भी बड़े पर्दे की फिल्म की हो तो कंट्रोवर्सी का साथ तो लगा ही रहता है, वैसा ही कुछ इस फिल्म के साथ देखने को मिला। आ रही खबरों की माने तो फिल्म मेकर पर मूवी की स्टोरी को कॉपी करने का आरोप लगा है। जैसे ये खबर आई तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक हलचल सी मच गई। इसी वजह से लास्ट ईयर चिरंजीवी ने अपने बर्थडे पर एक मीडिया एंगेजमेंट पार्टी भी ऑर्गेनाइज करवाई, और इसी बहाने उन्होंने मीडिया को ये भी बताया कि जो भी अफवाह फिल्म की स्टोरी कॉपी करने को लेकर हो रही है वो गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरतला सिवा जैसे रेप्यूटेड फिल्म मेकर पर इस तरह के घटिया आरोप लगाना सही नहीं है। चिरंजीवी के बर्थडे पार्टी में कोरतला सिवा भी मौजूद थे और उन्होंने मीडिया को ये भी बताया कि फिल्म की स्टोरी अभी कॉन्फिडेंशियल रखी गई है और कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही फिल्म की स्टोरी शेयर की गई है। वैसे आप सभी को क्या लगता है कि क्या सही में फिल्म की स्टोरी कॉपी की गई है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज़।